Hi everyone, so welcome back to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. और आज की वीडियो में मैंने नॉर्मल लेंथ की साड़ी को धोती स्टाइल में ड्रेप करना सिखाया है. तो ये सब आपकी रिक्वेस्ट थी, तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए. अगर पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा साड़ी की डिटेल दे देती हूँ. साड़ी जो है वो मैंने ऑफलाइन ही ख़रीदा है घर के तरफ से, और इसकी लेंथ है 5.5 मीटर. साथ ही यहाँ पे आप साड़ी की लुक देख सकते हो. अगर आपके पास ये बॉर्डर वाली साड़ी है सिल्क में, तो फिर उसकी बहुत अच्छे से धोती स्टाइल की ड्रेपिंग होगी. तो इसीलिए आप इस टाइप के कोई भी फैब्रिक ले सकते हो. यहाँ पे सिल्क की ये फैब्रिक है, बट सिल्क में बहुत सारी वेराइटीज़ आती है. तो कॉटन सिल्क की ये मेरी साड़ी है. सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी अपनी साड़ी की लेंथ को अपने राइट साइड पर रखूँगी, और बाकी सारी जो साड़ी की लेंथ रहेगी मेरी वो मेरे राइट साइड पे रहेगी. अब मैं बिल्कुल टाइट नॉट यहाँ पे बनाऊंगी. यहाँ पे ध्यान आपको सिर्फ एक चीज़ की रखनी है कि जब आप नॉट बनाओगे तो ये जो बॉर्डर है वो आपकी ज़्यादा मेसी नहीं होनी चाहिए. बॉर्डर अच्छे से आपकी सेट होनी चाहिए. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि लेफ्ट साइड की तरफ वाली जो फैब्रिक है उसको हमें अपने पैरों के बीच से ले जाते हुए पीछे की तरफ कर लेना है. उसके बाद अब हमें यहाँ पे प्लीट्स में इनको अरेंज करना है. प्लीट्स बनाते वक्त आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉर्डर जो रहे वो आपकी ऊपर होनी चाहिए, और उसके पीछे सारे के सारे फैब्रिक अच्छे से प्लीट्स में अरेंज होने चाहिए. अब आप इनको तब तक टक नहीं करोगे जब तक कि ये अच्छे से आप इनको प्लीट्स में अरेंज नहीं कर लेते हो. सारे के सारे प्लीट्स को आपको सेम इन्हीं के क्रीज में सेट करना है, देन आपको इनको टक करना है. अब आप क्या करते हो कि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में इनको टक करने के बाद छोड़ दिया जाता है, और फिर होता ये है कि जब आप इसको ट्राई करते हो तो फिर आपसे ये नहीं हो पाता. तो उनको अच्छे से अरेंज करना पड़ता है. और यहाँ पे क्या करना है, पैरों के पास के बॉर्डर को अच्छे तरीके से सेट करके और उसके बाद इनको यहाँ पे बैठाना है कुछ इस तरीके से, एंड देन सेफ्टी पिन से आपको इनको सिक्योर करना है. तो बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ ऑफ कैमरा कर ली जाती है और आपको दिखा दिया जाता है कि ये स्टेप केवल फॉलो करने हैं. तो यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश कर रही हूँ. तो यहाँ पे आप केवल ये देखो कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपसे छूट जाती हैं. तो ये सेफ्टी पिन जब मैंने यहाँ पे लगा लिया है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये पैरों के पास बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी. तो ये तो हमारा लेफ्ट साइड की जो लेग्स है वहाँ पे ड्रेपिंग कंप्लीट हो चुकी है. नेक्स्ट आप यहाँ पे चाहो तो ये सेफ्टी पिन से इनको सिक्योर कर सकते हो. अब हमें क्या करना है कि राइट साइड के तरफ की जो जितनी भी लेंथ बची हुई थी उनके साथ भी हम वही स्टेप करेंगे. पहले तो इनको हम पैरों के तरफ से पीछे कर लेंगे. अब हम इनको प्लीट्स में अरेंज करेंगे. तो प्लीट्स में अरेंज करने के लिए हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि बॉर्डर को सीधा करके, और जो भी बॉर्डर आपके लेफ्ट हैंड पे आ रही है वहाँ से ही आप इनको बनाना शुरू कीजिए. और यहाँ पे चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो. प्लीट्स कितनी चौड़ी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. और जब आप प्लीट्स को अरेंज कर लेते हो तो ये वाला जो यहाँ पे पार्ट है साड़ी का, ये थोड़ा सा कड़ा रहता है. तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लीट्स को, जैसे यहाँ पे प्लीट्स अरेंज हुई हैं वैसे ही मैं इनको पहले से खींच कर इनको सीधा कर ले रही हूँ, और उसके बाद मैं इनको अच्छे से अरेंज करूँगी. तो अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे से सारे प्लीट्स एक समान आपके अरेंज हो जाएंगे. और उसके बाद मैं इनको कुछ इस तरीके से फोल्ड करूँगी ताकि सभी के क्रीज जो रहें वो अच्छे से बैठ जाएं अपने जगह पर. और अब मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट अपने ब्लाउज से अटैच करते हुए यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन से इनको सिक्योर कर लूँगी. तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है, यहाँ पे हर कोई गलती करते हैं. यहाँ पे आप करते क्या हो कि आप अपनी बॉर्डर को लेते हो और यहाँ पे एक प्लीट बनाते हो और फिर इनको टक कर देते हो. वो भी कहाँ, तो पीछे की साइड जो आप प्लीट्स पहले से टक किए हुए हो उसके ऊपर में. ये ऊपर में नहीं होता है, बल्कि आपको करना क्या है सही तरीके के लिए कि पीछे वाली प्लीट को आपको पहले तो निकालना है, उसके बाद आपको इनको टक करना है अच्छे तरीके से. और
इसके बाद ही आपको पीछे की जो प्लीट्स हैं उनको आपको टक करना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो ये प्लीट्स है जिसको आप सिंगल प्लीट बनाकर टक किए हो वो उसकी खुलने की चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अब चाहो तो अब आप यहाँ पे एक सेफ्टी पिन से इनको सिक्योर कर सकते हो दोनों तरफ की फैब्रिक को लेते हुए। उसके बाद ये करना होता है कि सामने में जितने भी प्लीट्स बन रहे हैं इनको आप अच्छे तरीके से अरेंज कर लीजिए। जो प्लीट्स जैसी भी हैं जिधर साइड भी मुड़ी हुई हैं आपको उनको उधर ही रखते हुए इनको आपको सेट करना है। तो इस स्टाइल को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए आप एक वेस्ट चेन कैरी कर सकते हो एंड नेक जितने भी एक्स्ट्रा पिन्स यूज़ किए हुए हैं उनको आपको रिमूव कर देना है एंड देन आप अपना फाइनल लुक यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप बिल्कुल प्रॉपरली धोती स्टाइल को ड्रेप कर सकते हो। सो गाइज आई रियली होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।